अस्सलाम वालेकुम। फ्रेंड्स, आज की रेसिपी हमारी आलूओं से बनेगी। बस दो कच्चे आलू हम लेंगे और एक लाजवाब सी रेसिपी बनाएंगे। तो आप हैरान हो रहेंगे क्या हम बनाने वाले हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, बहुत अच्छी सी रेसिपी हम बनाने जा रहे हैं, बड़ी मज़ेदार। तो आगे आप वीडियो को लास्ट तक देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक पैन को गरम करके डालते हैं 1 टेबलस्पून ऑयल, 1 टीस्पून चना दाल और 1 टीस्पून उड़द दाल। हल्का सा भून लेंगे, हल्की आंच रखनी है। 1 लाल मिर्च, 2 कश्मीरी लाल मिर्च, 2-3 करी पत्ता, ये सूखे हुए करी पत्ता हमने डाले हैं। मीडियम साइज की 1 प्याज डाल देंगे। लहसुन की कुछ जवें और 1 छोटी टमाटर को स्लाइस करके डाल देंगे। थोड़ा सा हल्का सा भूनेंगे 1 मिनट। इमली, नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, 2 चम्मच पानी डालेंगे। ढक के 2-3 मिनट पकाएंगे ताकि प्याज टमाटर का कच्चापन निकल जाए। टमाटर प्याज अच्छी तरह गल चुके हैं, अब हम फ्लेम ऑफ करके इसे ठंडा होने देते हैं। टमाटर प्याज ठंडा हो चुका है, अब इसे ग्राइंड कर लेंगे। एक साइड निकाल लेते हैं, एक साइड रख देते हैं। तो आइए हम कुछ काम कर लेते हैं। आलू लिए हैं, ये कच्चे आलू हैं, इसे हमने छील लिया है। और फ्रेंड्स, हम बहुत चटपटा कुछ बनाने जा रहे हैं, बहुत ही मज़ेदार। हमारे यहाँ बारिश हो रही है, बारिश में तो ये हमारा जो हम रेसिपी बनाने जा रहे हैं और भी मज़ा देगा। तो आप सुन रहे हैं, बारिश की आवाज़ भी आपको मिल रही होगी। तो चलिए करते हैं कुछ काम। एक बाउल में पानी ले लेते हैं पहले, और अब हम आलूओं को ग्रेट करेंगे। आलूओं को हमेशा पानी में ग्रेट करना चाहिए ताकि काले ना पड़े, नीचे पानी हो, पानी के अंदर ये जाए। तो हमें बहुत ज़्यादा फाइन ग्रेट नहीं करना है। तो दोनों आलूओं को हमने अच्छी तरह से ग्रेट कर लिया है और हल्का सा इसे वॉश करेंगे ताकि अंदर से स्टार्च निकल जाए। से पानी से निकालते हैं, थोड़ा सा हल्का सा स्क्वीज करके 1 छन्नी में रखते हैं ताकि बचा हुआ पानी, जो और भी पानी है, वो भी निकल जाए अच्छी तरह से। पैन गरम करके डालते हैं 1 टेबलस्पून ऑयल, डाल देंगे ज़रा सी राई। तो फ्रेंड्स, हमारे पास सूखे हुए करी लीव्स हैं। यहाँ पे फ्रेश करी लीव्स बहुत मुश्किल से मिलते हैं, तो जब मिलते हैं तो मैं ख़रीद करके और उन्हें सुखा के रख लेती हूँ, तो फ्लेवर अच्छा आ जाता है इससे। अब हम डाल देंगे इन ग्रेट किए हुए आलूओं को 1/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून नमक, नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा, 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून चाट मसाला पाउडर, 1/4 चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1 टेबल स्पून पानी डालेंगे ताकि आलू जले नहीं, और इसे ढक करके 1-2 मिनट पका लेंगे ताकि बिल्कुल आलू अच्छी तरह से बिल्कुल मैश्ड हो जाए। पानी अच्छी तरह सूख चुका है और देखिए आलू भी अच्छी तरह मैश हो चुका है। अब हम इसे ठंडा होने देंगे। इसे ठंडा होने के लिए हमने 1 कप पोहा, 1 पानी डाल के इसे 2 मिनट। अब इसे भी हम पानी से निकाल लेते हैं, थोड़ा सा निचोड़ करके छन्नी में डालते हैं। पोहा के अंदर पानी सोखने की कैपेसिटी होती है, यानी कि ये पानी जल्दी सोख लेता है, तो ये बहुत जल्दी ये ड्राई हो जाएगा। आलू का मिक्सर ठंडा हो चुका है, इसके साथ पोहा को मिला देंगे। थोड़ा सा हम पहले हाथों से मिक्स कर लें और फिर आलूओं के साथ इसे मिलाएंगे। तो हमने अभी पोहा मिलाया आलूओं में, तो थोड़ा सा नमक और ऐड कर देंगे। आलू और पोहा अच्छी तरह से मिल चुके हैं, हमने हाथों से मिलाया है और चूंकि नमक डाला था तो हाथों से अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। अब हम कुछ और चीज़ें मिलाते हैं। हमने 2 टेबल स्पून चॉप की हुई प्याज मिलाई है
और 2 टेबल स्पून चॉपी हुई शिमला मिर्च, आप अपने पसंद की कुछ भी सब्ज़ी मिला सकते हैं, 1 बारीक चॉपी हुई हरी मिर्च। तो फ्रेंड्स, कुछ आलू चिपचिपे ज़्यादा होते हैं, कुछ फिलिंग के लिए ठीक होते हैं, अच्छे होते हैं, ज़्यादा चिपचिपे नहीं होते हैं। तो अगर आपके आलू ज़्यादा चिपचिपे हो रहे हैं तो पोहा थोड़ा ज़्यादा बढ़ा के मिला लीजिएगा। तो अभी हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है, ये परफेक्ट मिक्सचर तैयार है। लेमन साइज़ का एक बॉल ले लेते हैं, गोल कर लेते हैं हाथों में, थोड़ा सा ग्रीस कर लेंगे साथ ही हम, और शेप देंगे इसे, टिक्कियों का शेप दे देंगे। तो ये हमारी टिक्की तैयार हो गई। तेल गरम कर लिया है हमने, मीडियम आंच रखा है, अब इसे हम फ्राई कर लेंगे। और बहुत ही मज़ेदार कुरकुरा सा नाश्ता तैयार हो रहा है फ्रेंड्स, आपको और आपकी फैमिली को बहुत पसंद आएगा। टिक्कियों को डाल के हमें इन्हें थोड़ी देर छोड़ देना है, 1 मिनट तक, इन्हें डिस्टर्ब नहीं करना वरना टूट जाएंगी। 1 मिनट के बाद हम इन्हें उलटेंगे, 1 मिनट के बाद उलटते हैं, धीरे से आराम से उलटना है। तो टिक्कियाँ तल के तैयार हो गई हैं, देखिए दोनों तरफ से सुनहरी हो चुकी हैं, अब हमें निकाल लेते हैं। तो फ्रेंड्स, तैयार हो गई हमारी आलू और पोहे की टिक्कियाँ। घर में रखे सामान से बहुत मज़ेदार नाश्ता तैयार हुआ है, और सुबह की भाग दौड़ में जब हम जल्दी में होते हैं कि क्या बनाएं, तो बहुत आसानी से जल्दी बन जाने वाला यह नाश्ता है। और सबसे बड़ी बात है कि ये सबको पसंद आने वाला है, सब करेंगे। ये चटनी जो हमने अभी बनाई थी प्याज टमाटर की, ये भी लाजवाब कॉम्बिनेशन है इस टिक्की के साथ। साथ ही सर्व करेंगे हम गर्मा गर्म सांभर, ये इंस्टेंट सांभर जो हमने अभी बनाया था थोड़ी देर पहले। वो इंस्टेंट मैं इसलिए कहूँगी कि 1 पॉट है, एक ही पॉट में, एक ही कुकर में हमने दाल सब्जियाँ सब डाल दी थी और इसे बस प्रेशर कुक कर दिया था। तो टिक्कियों का टेक्सचर देख रहे हैं कितनी कुरकुरी सी हैं और बड़ी लाजवाब बनी है, और अंदर से देखिए कितनी टेम्पटिंग है। प्याज टमाटर की चटनी के साथ तो लाजवाब है ये टिक्कियाँ। तो फ्रेंड्स, आप अपनी पसंद की चटनी भी यूज़ कर सकते हैं इसके साथ, इन टिक्कियों के साथ, और सांभर के साथ बहुत मज़ा देता है। गर्मा गर्म सांभर हो, बारिश का मौसम है, चटपटा खाने का मन कर रहा है, तो ये नाश्ता तो लाजवाब है। बहुत मज़ेदार है। तो फ्रेंड्स, ऐसी रेसिपी के साथ आप सबके साथ मिलते रहेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। और ये रेसिपी आपको कैसी लगी, झटपट बनने वाली मज़ेदार चटपटी, हमें ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं फिर नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।